डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे वायकोम सत्याग्रह की, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने वायकोम सत्याग्रह के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। चलिए जानते हैं वायकोम सत्याग्रह के बारे में। ये सत्याग्रह त्रावणकोर वर्तमान केरल के मंदिरों में अछूतों के प्रवेश की अनुमति देने हेतु चलाया गया आंदोलन था। यह आंदोलन वर्ष 1924-25 के दौरान केरल के कोट्टायम जिले में वायकोम के महादेव मंदिर के पास हुआ। उस समय वायकोम त्रावणकोर रियासत का एक हिस्सा था। दरअसल इससे पहले अछूत और पिछड़े समुदायों पर वायकोम महादेव मंदिर के आसपास की सड़कों के उपयोग पर प्रतिबंध था। वायकोम सत्याग्रह 30 मार्च 1924 को शुरू हुआ। यह एक अहिंसक आंदोलन था। इसे केरल में महात्मा गांधी की सलाह पर टी के माधवन, के पी केशव मेनन और जॉर्ज जोसेफ ने शुरू किया था। इस सत्याग्रह के दौरान महिलाओं की बड़े पैमाने पर भागीदारी देखी गई और यह लगभग 1.5 साल तक जारी रहा, जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई। चलिए जानते हैं वायकोम सत्याग्रह में पेरियार की क्या भूमिका थी। जॉर्ज जोसेफ जैसे नेताओं ने पेरियार से सत्याग्रह का नेतृत्व करने का अनुरोध किया। इसके बाद पेरियार ने अनुरोध स्वीकार कर इसका नेतृत्व किया। बता दें कि पेरियार का असल नाम ईवी रामास्वामी था। वह तमिल राष्ट्रवादी राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके प्रशंसक उन्हें सम्मान से पेरियार कहते थे। पेरियार का मतलब है पवित्र आत्मा या सम्मानित व्यक्ति। इन्होंने वायकोम सत्याग्रह में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे इन्हें वायकोम विरार यानी वायकोम के नायक की उपाधि मिली। अब जानते हैं कि सत्याग्रह के क्या प्रभाव हुए थे। 30 मार्च 1924 को शुरू हुआ यह महत्वपूर्ण आंदोलन 30 नवंबर 1925 को समाप्त हुआ। 1925 में त्रावणकोर रियासत की सरकार ने घोषणा की कि लोग वायकोम मंदिर के आसपास की 4 सड़कों में से 3 सड़कों पर प्रवेश कर सकते हैं। 1936 में केरल में मंदिर प्रवेश उद्घोषणा की प्रस्तावना थी, जिससे पूरे भारत में मंदिर प्रवेश आंदोलनों की शुरुआत हुई। 1928 में त्रावणकोर के सभी मंदिरों में पिछड़ी जातियों को सार्वजनिक सड़कों पर चलने का अधिकार मिल गया। इस तरह यह भारत में मंदिर प्रवेश आंदोलनों में मील का पत्थर साबित हुआ। चलिए अब वक्त हो चला है आज के टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है, वायकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, इस सत्याग्रह 30 मार्च 1924 को शुरू हुआ था। कथन दो है, यह भारत में मंदिर प्रवेश आंदोलनों में मील का पत्थर साबित हुआ। और कथन तीन है, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है या फिर है आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 या फिर ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।